हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो हमारे साथ दो डॉक्टर्स एक बार फिर से जुड़ रही हैं। डॉक्टर अंजलि हुड्डा हमारे साथ जुड़ रही हैं और डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। प्रधानमंत्री ने आज जब अपने मन की बात की तो उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टर्स के ऊपर डाली। उन्होंने चरक, जिसको कहते हैं आचार्य चरक का भी जिक्र किया, जिन्होंने ये कहा है कि जो ना धन की कामना करते हैं ना किसी और फायदे की कामना करते हैं, उनकी कामना सिर्फ अपने मरीज को ठीक करने की होती है। डॉक्टर अंजलि हुड्डा डॉक्टर होने के नाते जो आज प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात की उसमें जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ी आप डॉक्टर्स की? बिल्कुल, आज ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर बनने का जो गर्व है, और हालांकि हम लोग बाहर नहीं हैं, अभी काम पे नहीं हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर होने के नाते जो प्रधानमंत्री ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस कराई है, जो फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है कि एक मरीज हमारे लिए कितना महत्व रखता है, उसकी आज जो फीलिंग आ रही है प्राइम मिनिस्टर की वजह से बहुत ही ज्यादा, यू नो, पीएम ने ऐसा बोला है तो अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन काश हम भी बाहर जाके ऐसा काम कर सकते। ऐसा नहीं है डॉक्टर अंजलि हुड्डा, मैं आपको बता दूं ऐसा मौका आएगा, वेट कर रहे हैं। आप इस समय लाखों करोड़ों लोगों की मदद कर रही हैं। जो टिप्स आप बैठकर हमें टीवी पर बता रही हैं, वो हमारे दर्शकों तक पहुंच रही हैं, वो इन प्रिकॉशंस को ले रहे हैं और इस कोरोना से जो लड़ाई है देश की उसको बखूबी लड़ रहे हैं। डॉक्टर स्वाति, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई डॉक्टर्स से भी बात की, दो डॉक्टर्स से उन्होंने बात की, उन्होंने तमाम वो टिप्स दिए कि क्वारंटीन में रहना है, आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने। जो खास बात निकल कर आई वो ये कि जब कोरोना पॉजिटिव संक्रमण आपका आ जाता है तो आप कितना डर जाते हैं, तो आपको डरना नहीं है, इस बीमारी का इलाज मौजूद है। माइल्ड वायरस की उन्होंने बात की, तो आपकी जो जानकारी है वो क्या कह रही है कि जो इंडिया में जो वायरस कोरोना का है क्या वो माइल्ड नेचर का है? बिल्कुल, और एक बहुत ही सकारात्मक अप्रोच आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखी है ताकि लोगों के मन में जो डर है वो दूर हो जाए, जो मन में शंकाएं हैं, जो कोरोना को लेकर स्टिग्मा हो रहा है उसको भी उन्होंने एड्रेस करा। और एक शोभना, मुझे ऐसा लगा आज ना, मुझे वो जो अर्जुन वाला प्रसंग है महाभारत का, जहां श्री कृष्ण उनको गीता का उपदेश देते हैं, उसका याद आ गया। क्योंकि देखिये, ये जो महाभारत की लड़ाई है आज कोरोना से, उसमें हर भारतवासी आज एक अर्जुन है, क्योंकि हर किसी की इम्पोर्टेंस है, हर भारतवासी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और श्री कृष्ण की तरह शायद आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबको समझाया, कई तरीके से समझाया, मरीजों से भी बात कराई, डॉक्टरों से भी बात कराई, अपनी भी बातें बताई कि वो कैसे समय पार करें, तो सबको धैर्य संयम इस बात का भी एहसास कराया कि हमें स्वार्थी नहीं हो रहा है, और लोगों की मदद भी करनी है, प्रयत्नशील रहना है, समता का भाव मन में रखना है। तो बहुत सारे उन्होंने आज ऐसे गुणों को उजागर किया जो इस वक्त हम सभी लोगों के लिए जरूरी है ताकि हम इस कोरोना की लड़ाई को जीत सके। तो एक बहुत ही बड़े घर के बड़े सदस्य की तरह उन्होंने आज ये बात हम सभी को समझाने की कोशिश की, और ये भी समझाया कि डॉक्टर्स और जो दूसरी एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज के लोग हैं, केवल डॉक्टर्स ही नहीं, बिजली, पानी, डिलीवरी, ड्राइवर, सब जुड़े हुए जो लोग हैं, ये लोग कैसे अपनी जिंदगी को ताक पे रख के, अपने परिवार की जिंदगी को ताक पे रखकर भारत को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, नेशन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को समझने को उन्होंने जो है इम्पोर्टेंस दिया कि जो घर में है हम उनकी इम्पोर्टेंस समझे, जो एसेंशियल सर्विसेज वाले हैं जी, जो बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एसेंशियल सर्विसेज के जो लोग हैं उनका जिक्र किया, लेकिन जो एक बड़ी बात प्रधानमंत्री ने आज की वो ये कि उन्होंने क्षमा मांगी। जो परेशानी देशवासियों को हो रही है उसके लिए देश के मुखिया ने क्षमा मांगी है, तो हमें ये अंदाजा हर नागरिक को लगाना चाहिए कि इसके अलावा सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था। सुनिए क्या कहा प्रधानमंत्री। सभी देशवासियों से क्षमा मांगता हूं और मेरी आत्मा कहती है कि आप मुझे जरूर क्षमा करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़े हैं जिसकी वजह से आपको कई तरह की कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। खास करके मेरे गरीब भाई बहनों को देखता हूं तो जरूर लगता है कि उनको लगता होगा कि ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है, हमें इस मुसीबत में डाल दिया। उनसे भी मैं विशेष रूप से क्षमा मांगता हूं। हो सकता है बहुत से लोग मुझसे नाराज भी होंगे
कि ऐसे कैसे सबको घर में बंद कर रहे हो। मैं आपकी दिक्कतें समझता हूँ, आपकी परेशानी भी समझता हूँ, लेकिन भारत जैसे 130 करोड़ की आबादी वाले देश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए ये कदम उठाए बिना कोई रास्ता नहीं था। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई है और इस लड़ाई में हमें जीतना है, और इसीलिए ये कठोर कदम उठाने बहुत आवश्यक थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात एक बार फिर हमने आपको सुनवाई, जिसमें वो क्षमा मांग रहे हैं देशवासियों से, खासतौर से गरीबों से क्षमा मांग रहे हैं। हमारे साथ नेशनल अफेयर एक्सपर्ट अभिज्ञान भी जुड़ गए हैं। अभिज्ञान, प्रधानमंत्री माफी मांग रहे हैं, गरीबों से भी माफी मांग रहे हैं, हालांकि उन्होंने जिक्र नहीं किया जो दिहाड़ी मजदूर पलायन कर रहे हैं, लेकिन गरीबों का जिक्र करके उन्होंने सभी को समेटने की कोशिश की है। बहुत अच्छा पॉइंट है शोभना जो आपने रखा है, क्योंकि देखिए पहले एड्रेस से लेकर अभी तक प्रधानमंत्री के जो बात करने का रवैया है, जो टोन है, वो भावनात्मक अपील करने का है। पिछली बार वो देश के सामने हाथ जोड़ रहे थे, आज वो रेडियो के माध्यम से माफी मांग रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इस बात को अच्छे से समझते हैं कि भले ही लोग उनकी हर कही हुई बात को फॉलो न करें, भले ही वो उनके एड्रेस के बाद मिनटों में जाकर राशन की दुकान पर लग जाए, लेकिन ये वक्त नहीं है जहां पर एक प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान जैसे विशाल देश को ये कहना शुरू कर दे कि हम कोई फोर्स का इस्तेमाल करेंगे या फोर्स का इस्तेमाल करने की नौबत आ सकती है। क्योंकि तमाम सुझाव लोग देते हैं कि सब आर्मी का फ्लैग मार्च करा दीजिए, नहीं, प्राइम मिनिस्टर अभी भी इस लाइन को कंटिन्यू कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि वो इमोशनल अपील कर रहे हैं कि हाँ गरीब आप परेशान हैं। हाँ, उनके पास भी ये तस्वीरें पहुंच रही हैं कि किस तरह से देश की राजधानी में जो लोगों को अपने घर जाने की इतनी दिक्कत है, वो बस स्टैंड्स पर बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जानकारी जो आपके और शोभना हमारे पास है वो प्राइम मिनिस्टर को नहीं पहुंच रही है, लेकिन फिर भी वो ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को प्यार से, मोहब्बत से, इमोशनल अपील के साथ हाथ जोड़कर, माफी मांगकर, नमन करके, झुककर उनसे अपनी बात रखें, ताकि उनको ये ना एहसास हो कि उनके ऊपर वैसे ही विपदा है, वैसे ही मुश्किल है, और अलग से कोई एक दबाव जो है वो सरकार या सिस्टम का उनके ऊपर पड़ने लगे। तो मेरे ख्याल में आप पहले एड्रेस से लेकर आज तक देखिए प्राइम मिनिस्टर को, पहले एड्रेस में उन्होंने कहा, बस एक 10 सेकंड का पॉइंट, जब उन्होंने सबसे पहले आकर टेलीविजन पर कहा था, नेशनल टेलीविजन पर, कि आपसे कुछ हफ्ते मांग रहा हूं, तो प्राइम मिनिस्टर की टोन जो है वो बहुत कंसिस्टेंट है जनता से भावनात्मक अपील करने की और उनके सामने अपनी बात रखने की। बिल्कुल अभिज्ञान, ये तो आप भी जानते ही हैं और पत्रकार होने के नाते मैं भी जानती हूं कि संवाद बनाने में प्रधानमंत्री का कोई मुकाबला नहीं है। जिस तरह से वो सामने बैठे, चाहे वो उनके साथ के अपने नेता हो, मंत्री हो, या फिर उनके देश की जनता हो, देश के नागरिक हो, संवाद वो बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज का जो पूरा जो उनके मन की बात है, आपको सुनकर ये लगा कि सरकार का भी असेसमेंट जो था वो कहीं ना कहीं फेल हो गया, चाहे केंद्र सरकारें हो, चाहे राज्य सरकारें हो, इस स्थिति के लिए सरकार भी तैयार नहीं थी कि ऐसे लाखों की संख्या में ये दिहाड़ी के जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो सड़कों पर निकल कर आ जाएंगे और एक ये नई समस्या पैदा हो जाएगी। बिल्कुल सही है, दोनों पॉइंट आपने जो शोभना रेस किए एक अच्छे जर्नलिस्ट के तौर पर बिल्कुल वैलिड है। क्योंकि पहली चीज देखिए, कोई सरकारें इस तरह के हालात में, इतिहास गवाह है, प्री कंसीव्ड रिस्पॉन्स नहीं रख सकती। जैसे जैसे हालात तब्दील होंगे, जैसे जैसे हालात बदलेंगे, आपको उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर अपनी इमोशनल अपील की लाइन पर कायम है। पिछली दफे भी हम लोग जब चैनल पे थे, हमने देखा और बहुत अफसोस हुआ, आप सब लोगों ने रिपोर्ट किया, एबीपी न्यूज ने एक जिम्मेदार चैनल के तौर पर लगातार लोगों से कहा कि वो नहीं कह रहे हैं कि एसेंशियल कमोडिटीज की कमी होगी, फिर भी लोग मिनटों के अंदर जो है राशन की लाइनों में जाकर खड़े हो गए, और ये बहुत तकलीफ देह तस्वीर थी हिंदुस्तान के लिए, आधुनिक हिंदुस्तान के लिए, मौजूदा हिंदुस्तान के लिए। दूसरी सेट ऑफ पिक्चर्स हैं, लोग कैसे बसों में भर भर के पैदल जाने की बात कर रहे हैं एक राज्य से दूसरे राज्य। तो जैसे मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर अनअवेयर नहीं है, उनको पता है कि हर प्लान उनका इस वक्त एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, हर प्लान उनका इस वक्त
कामयाब नहीं हो पा रहा है, इसीलिए वो इमोशनल अपील कर रहे हैं, क्योंकि उनको आज भी यकीन है इस बात पर, जैसा आपने पॉइंट आउट किया कि वो बेहतर कनेक्ट करते हैं इस वक्त भारतीय राजनीति में किसी और लीडर के बनिस्बत, तो इसीलिए वो अपील कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है उनकी सरकार का हर प्लान ग्राउंड पर कामयाब नहीं हुआ है, क्योंकि अंततः प्राइम मिनिस्टर कुछ भी कहे, कोई भी हेड ऑफ स्टेट कुछ भी कहे, जनता को सुनना पड़ेगा, जनता को समझना पड़ेगा, तो उनको ये बात बहुत बेहतर तरह से समझ में आ रही है, जमीन से जुड़े वो नेता रहे हैं तो वो समझ रहे हैं कि अभी पूरी तरह जनता उनके साथ नहीं है, थाली बजाने के मौके पर बाहर आ जाती है, लेकिन जब वो असलियत में कह रहे हैं कि घर पे रहिए वहीं रुके रहिए, तो वो नहीं सुन रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को। एक्चुअली एक समस्या और भी है, मैं डॉक्टर अंजलि आपका रुख करना चाहूंगी, ऐसा नहीं है कि दिहाड़ी मजदूर सुनना नहीं चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति भी उनके सामने पैदा हो गई, और भ्रम की स्थिति ये कि ये जो कोरोना वायरस है ये शहरों में फैल रहा है, अगर हम गांव पहुंच जाएंगे तो हम सुरक्षित हैं। दूसरा खाने की और रहने की भी समस्या है, जो झुग्गी ओनर्स हैं वो उनको बाहर निकाल रहे हैं, किराया ना देने की बात कर रहे हैं, नौकरी उनकी जा रही है, तो समस्याएं बहुत है। लेकिन डॉक्टर अंजलि हुड्डा, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आज 50 लाख के बीमा की भी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में की है, और वो बात घोषणा पहले ही हो चुकी है, लेकिन आज उन्होंने कहीं ना कहीं ये बताया कि जो स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए जो डॉक्टर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके साथ सरकार खड़ी हुई है, क्योंकि परिवार तो उन डॉक्टर्स का भी है, उन स्वास्थ्य कर्मचारियों का भी है, तो उसके लिए बीमा जो आज जो कहा प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस देने की कोशिश, और आप एज ए डॉक्टर होने के नाते कहेंगी कि इससे कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस जरूर बिल्टअप होगा डॉक्टर्स के बीच में, स्वास्थ्य कर्मियों के बीच में। बिल्कुल, अब मेरा खुद का कॉन्फिडेंस घर बैठ के जो इतना बूस्ट हुआ है, उसके जिनके जो ऑलरेडी जो आउटलाइंस पे काम कर रहे हैं डॉक्टर और बाकी कर्मचारी, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। कहीं पे भी अभी तक मैंने अभी तक पूरे विश्व में नहीं सुना है कि अभी इनके लिए स्पेशल जो है इंश्योरेंस दी गई है, ऐसा कहीं पे भी नहीं हुआ है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया में ऐसा किया है, तो आप सोचिए कि कितना ज्यादा वो कोशिश कर रहे हैं कि लोग इस महामारी से जूझ सकें, हम लोग जीत सकें, घर बैठे। गरीबों की जो समस्या है वो तो आप लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, और आई एम श्योर कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इलाज इसका भी ढूंढ लेगी, पर ये बहुत बड़ी गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री ने आज ऐसी बात की है। ठीक है डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, ये तो डॉक्टर्स की बात हो गई, क्योंकि जाहिर सी बात है डॉक्टर्स को बाहर निकलना है, तो उनका परिवार भी कह रहा है, जैसे हर एक नागरिक की जिंदगी है, डॉक्टर्स की भी जिंदगी, स्वास्थ्य कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारियों की, जितने भी लोग इस समय इमरजेंसी सर्विसेज में काम कर रहे हैं। उन्होंने दो ऐसे मरीजों से भी हमारी बातचीत करवाई जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित थे और उसके बाद वो ठीक हुए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने समाज को ये संदेश देने की भी कोशिश की कि पैनिक में मत आइए, इसका उपचार संभव है और बहुत लोग ठीक भी हो रहे हैं, सिर्फ क्वारंटीन करना है और डॉक्टर के पास आपको जाना है। बिल्कुल, बहुत सही कहा शोभना आपने, और एक ये बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि देखिए जब भी कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी खबर आती है तो लोगों का ज्यादा ध्यान इस पर रहता है कि अब कितने केस हो गए, कितने मर गए, लेकिन ये जो एक सेक्शन है जो कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन के साथ है, जो ठीक हो रहे हैं और उनकी तादाद मरने वालों से कहीं ज्यादा है, उस चीज को उजागर करना बहुत जरूरी है, ताकि लोगों के मन में एक पॉजिटिविटी आए, लोगों के मन में जो डर है वो निकले, क्योंकि कोरोना वायरस का इसीलिए स्टिग्मा बन गया है, इसीलिए लोग क्वारंटीन से भाग रहे हैं, बता नहीं रहे कि वो ट्रैवल करके आए हैं, तो ये जो लोगों के मन में डर है कोरोना को लेके, वो दूर होता है जब आप ऐसे पेशेंट्स की कहानी सुनते हैं, उनको सामने देखते हैं, उनके मुंह से उनकी जबानी सुनते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे वो ठीक हुए हैं। तो और देखिए ज्यादातर जो ठीक हुए हैं, जिनसे आज प्रधानमंत्री जी ने बात कराई है, वो सब बुजुर्ग हैं, तो एक क्योंकि हम बार बार सुन रहे हैं कि बुजुर्ग लोगों में ज्यादा डेथ हो रही है, तो उनसे बात करके और भी मनोबल बढ़ रहा है लोगों का, मुझे लगता है जरूर इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट लोगों पे पड़ेगा कि लोग ठीक हो रहे हैं उसकी तरफ ध्यान दें, मतलब एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कहीं ना कहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात हमने आपको सुनाई, जो खास बात उन्होंने की वो ये कि उन्होंने देश से क्षमा मांगी, खासतौर से गरीब तबके से क्षमा मांगी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, इस बीमारी से लड़ना है तो एकमात्र यही रास्ता था। सुनिए क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सभी देशवासियों से क्षमा मांगता हूं, और मेरी आत्मा कहती है कि आप मुझे जरूर क्षमा करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़े हैं
जिसकी वजह से आपको कई तरह की कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। खास करके मेरे गरीब भाई बहनों को देखता हूं तो जरूर लगता है कि उनको लगता होगा कि ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है, हमें इस मुसीबत में डाल दिया। उनसे भी मैं विशेष रूप से क्षमा मांगता हूं। हो सकता है बहुत से लोग मुझसे नाराज भी होंगे कि ऐसे कैसे सबको घर में बंद कर रहे हो। मैं आपकी दिक्कतें समझता हूं, आपकी परेशानी भी समझता हूं, लेकिन भारत जैसे 130 करोड़ की आबादी वाले देश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए ये कदम उठाए बिना कोई रास्ता नहीं था। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई है और इस लड़ाई में हमें जीतना है, और इसीलिए ये कठोर कदम उठाने बहुत आवश्यक थे। और हमारे साथ अब मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी जुड़ रहा है, डॉक्टर दिनेश खुल्लर जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट मैक्स सुपर हॉस्पिटल स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हमारे साथ, अभिज्ञान प्रकाश भी जुड़े हुए हैं और डॉक्टर स्वाति महेश्वरी भी हैं। डॉक्टर दिनेश खुल्लर, प्रधानमंत्री के मन की बात तो हमने सुन ली, लेकिन अब क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो मेरा सवाल आपसे यही है कि इटली और स्पेन में बहुत ज्यादा मौत के मामले सामने आ रहे हैं, मेडिकल साइंस में बहुत आगे हैं वो हमसे, हम कितना तैयार हैं? देखिए, अब हम तैयार तो हैं। मेरा ये मानना है कि जो तैयारी देश को करनी चाहिए थी, हम सही रास्ते में हैं। हमें दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज की कमियों की तरफ नहीं देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हम दूसरों की गलतियों से क्या सीख ले सकते हैं और अपनी तैयारी को कितना बेहतर और बना सकते हैं। आई एम वेरी श्योर जो प्रधानमंत्री ने स्टेप उठाए हैं और आप लोग जो सब सुन रहे हैं, ये डेफिनेटली हमें लॉन्ग रन में हेल्प करेंगे और हम इस बीमारी को जीत पाएंगे। जितने भी इटली या दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज से केस आए हैं, हमने देखा है इन्फेक्शन रेट तो ज़्यादा है पर मौतें उनमें ज़्यादा हुई हैं जो एल्डरली थे और या जिनको पहले से कोई गंभीर बीमारियाँ थी। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि सबको बचाना है और खास करके उन लोगों को जिनके बीमारी के सीवियर रूप लेने के चांसेस ज्यादा हैं, उनको और भी हमें उनका ख्याल रखना है और बचाना है। डॉक्टर दिनेश खुल्लर, जो सबसे ज्यादा जो मौत के मामले सामने आ रहे हैं वो डायबिटिक हैं जो पेशेंट्स, बीपी की जिनको ज्यादा दिक्कत है, उनके लिए ये वायरस फेटल साबित हो रहा है, क्या प्रिकॉशंस इन पेशेंट्स को लेने चाहिए? तो देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा है आपने और दर्शकों को ये बात जान लेनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि ब्लड प्रेशर वाले इंसानों को या डायबिटिक्स को इस बीमारी का इंसिडेंस ज़्यादा है। बीमारी किसी को भी पकड़ सकती है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, डायबिटिक नॉन डायबिटिक जो पहले से बिल्कुल स्वस्थ हैं तंदुरुस्त हैं उनको भी पकड़ सकती है। लेकिन हमारी चिंता ये है कि जब ये डायबिटिक को, जब ये हाई ब्लड प्रेशर वाले को, किडनी डिजीज वाले पेशेंट को, जहाँ जिनका ट्रांसप्लांट हो रखा है, ऐसे पेशेंट को पकड़ती है तो इसमें ये ज़्यादा सीवियर रूप से सीवियर रूप धारण कर लेती है और जो मोर्टेलिटी रेट है जो हम पेशेंट्स लूज कर रहे हैं, ऐसे वालों में ज़्यादा लूज कर रहे हैं। इसलिए प्रिकॉशंस तो सबको लेनी है, लेकिन जो डायबिटिक हैं या जिनकी कोई और बीमारियाँ पहले से हैं उनको और भी ज़्यादा कमर कसनी पड़ेगी। इन दिनों में एक डायबिटिक पेशेंट को अपनी शुगर का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर शुगर अनकंट्रोल रह गई और उस स्टेज पे आपने इन्फेक्शन पकड़ी है तो ये ज़्यादा सीवियर रूप ले सकती है। डॉक्टर दिनेश खुल्लर, मैं एक सवाल और आपसे लूंगी, उसके बाद मैं डॉक्टर स्वाति का रुख करूंगी। ये कहा जा रहा है कि ये जब वायरस इफेक्ट करता है तो गले में रहता है चार दिनों तक और इतना थिक म्यूकस पैदा कर देता है कि जब वो म्यूकस नीचे सिस्टम में जाता है तो वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है और उसी की वजह से सारी दिक्कतें आती हैं। आप जितना ज्यादा गर्म पानी का सेवन करेंगे, चाय का सेवन करेंगे, ठंडी चीजों से बचेंगे, इस वायरस को आप मार भी सकते हैं, इस बात में क्या फैक्ट्स हैं? ये बिल्कुल सही कहा है आपने। आई थिंक इस बीमारी का, जैसे कि हम सब जानते हैं, रोकथाम में ही हमारी भलाई है, बिकॉज ट्रीटमेंट, कोई प्रूवन ट्रीटमेंट इसका नहीं है।
सो जो भी एस्पेक्ट आपको इसको प्रिवेंट करने के नजर आते हैं उस पर ध्यान दीजिए. सोशल डिस्टेंसिंग जो प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन अनाउंस किया है, इससे बेटर कोई चीज नहीं हो सकती है, पर उसको ठीक से अमल करें. और अनफॉर्चुनेटली अगर कहीं से इन्फेक्शन फिर भी अटैक कर रही है आपके शरीर को, तो ये जो आपने आसान तरीके बताए हैं, जो कि गर्म पानी से हम माउथ की रिंसिंग करते रहें ताकि गले से ही उसको हम कंट्रोल कर लें और नीचे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना जाएं. लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जो हमें कभी नहीं भूलना है, वो है फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग सोप से और ठीक तरीके से हाथ को साफ करना, बार बार साफ करना, और इमेजिन करना कि हो सकता है आपने गलती से कहीं ना कहीं वायरस को टच कर लिया होए और ये वायरस को अपने आंख, नाक, गले, मुंह में बिल्कुल प्रवेश ना करने दें. सो जरूरी है इसको प्रिवेंट करना, दूर रहना लोगों से जिनको हो सकता है इन्फेक्शन हो, और बार बार हाथ धोने, और जिस जिस जगह को आप टच कर रहे हो उसको अच्छे से साफ रखें, और उसके बाद कुछ भी खाने से पहले या गलती से मुंह पे हाथ लगने से पहले यू इंश्योर कि आपके हाथ अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से साबुन और पानी से साफ. ठीक है डॉक्टर स्वाति, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा कि डॉक्टर्स में ये भाव बनता है कि सबसे बड़ी सेवा करने का मौका उनके सामने है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी का भी एहसास कराया. 50 लाख के बीमा की बात कहकर यह भी कहा कि देश आपके साथ खड़ा है, आपके परिवार के साथ खड़ा है. आवाज चली गई डॉक्टर स्वाति, आप मुझे सुन पा रही हैं? शोभना जी, जी बीच में आपकी आवाज चली गई. जी आज प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर्स में ये भाव बनता है कि सबसे बड़ी सेवा का मौका इस समय ईश्वर ने उनको दिया है, जिसको महासेवा कहना गलत नहीं होगा. और दूसरी तरफ 50 लाख के बीमा की बात कर उन्होंने ये कॉन्फिडेंस भी दिया डॉक्टर्स को कि आपके परिवार के साथ हम पूरा देश खड़ा हुआ है. फिर से आवाज चली गई. मैं अभिज्ञान का रुख कर लेती हूँ, आवाज मैं ठीक कराती हूँ. जी मैं स्वाति जी आवाज ठीक करवाती हूँ. अभिज्ञान मैं आपका रुख करना चाहूंगी, और जो सवाल मैंने स्वाति से पूछा कि कहीं तो एक तरफ डॉक्टर्स की जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री ने याद दिलाई, दूसरी तरफ 50 लाख के बीमा का जिक्र करके उन्होंने ये भी बताया कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आपको इनसिक्योर होने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है, 50 लाख का बीमा सरकार करा रही है आपका. अभिज्ञान, और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है शोभना जो पॉइंट आप रख रही? हाँ मैं सुन सकता हूं शोभना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके साथ इस वक्त बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन उन डॉक्टर्स के बारे में भी हमें सोचना होगा जो लगातार छोटे शहरों में, छोटी जगहों में भी इलाज कर रहे हैं. लोग अपनी शंकाओं के साथ, खांसी जुकाम की प्रॉब्लम के साथ, बुखार के साथ उनके पास पहुंच रहे हैं, और वो भी जैसे डॉक्टर खुल्लर गाइड कर रहे हैं, डॉक्टर महेश्वरी गाइड कर रही हैं, वो भी उन मरीजों को गाइड कर रहे हैं कि देखिए ये करिए. तो प्राइम मिनिस्टर का आप सब लोगों के साथ, क्योंकि डॉक्टर्स की बहुत बड़ी भूमिका है, और वाकई पूरे देश को उनको लगातार धन्यवाद करना चाहिए, डॉक्टर्स को, पैरामेडिक स्टाफ को, तो साथ में उन शहरों के भी डॉक्टर्स हैं जो इतना बड़ा हमारा देश है, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, जो छोटी जगहों में इलाज कर रहे हैं. तो जब प्राइम मिनिस्टर 50 लाख रुपए के बीमा की बात करते हैं, तो वो उनकी तरफ भी इशारा कर रहे हैं और उनको भी मैसेज दे रहे हैं कि आप लोग मत, आप, क्योंकि सारी लड़ाई सबको एक साथ मिलकर लड़नी है, ये कोई दिल्ली की लड़ाई है और मेरठ की नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है, तो पूरे देश और दुनिया की लड़ाई है. तो ये शोभना बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है. दूसरा एक पॉइंट मैं जरूर रखना चाहूंगा, आपको सुन रहा था कि जो थ्योरीज शुरुआत में निकल कर आई और वो गलत नहीं है, उनका भी एक तरह से जवाब दिया जब प्रधानमंत्री ने बुजुर्गवार लोगों के सही रास्ते को अपनाने के बाद रिकवर करने का जिक्र किया. तो ये एक बहुत सकारात्मक संदेश है. उनका कहने का मकसद ये था कि देखिए उम्र है, हाँ वो हकीकत है, लेकिन अगर उम्र के बावजूद जो बताया जा रहा है, डॉक्टर्स जो बता रहे हैं, उसको आप सही तरह से फॉलो करें, तो ऐसा नहीं है कि आपकी जान जोखिम में आएगी. तो ये कुछ चीजें
बहुत अहमियत है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का मैसेज देश के हर हिस्से में जा रहा है इस वक्त। बिल्कुल, और देश की जनता बहुत गंभीरता के साथ सुनती भी है प्रधानमंत्री मोदी को और उनकी बात मानती भी है। प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में मजदूरों से भी माफी मांगी कि उन्हें लॉकडाउन से जो परेशानी झेलनी पड़ रही है। पटना की सड़कों पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो दो वक्त का खाना भी नहीं जुटा पा रहे। पटना के शौर्य नाम के व्यक्ति जो लोगों को खाना बांटते हुए नजर आ रहे हैं, हमारी सहयोगी निधि श्री झा ने एक रिपोर्ट भेजी अभिज्ञान, पहले वो हम अपने दर्शकों को दिखा दें, फिर हम प्रधानमंत्री के मन की बात पर दोबारा आएंगे। कोरोना वायरस की महामारी से आज भारत लड़ रहा है और ऐसी स्थिति में कई तस्वीरें सामने आ रही है। तस्वीरें उन लोगों की जो अलग अलग राजनीतिक दलों से संबंध रखते हैं, अलग अलग विचारधारा से संबंध रखते हैं, सभी एकजुट होकर इस महामारी को खत्म करने में जुटे हुए हैं। और खत्म करने का सिर्फ एक ही उपाय है कि लोग घर में रहे, लोग सड़क पर नहीं आए। लेकिन इससे सबसे बड़ा जो असर है वो उन लोगों पर पड़ रहा है जो दिहाड़ी मजदूरी करते थे, जिनको एक एक दाने के अभी लाले पड़ रहे हैं। और आज सबसे पहले तो आप इन लोगों को देखिए, ये सभी सड़क किनारे इस कदर बैठे हुए हैं और अभी आप तस्वीर देख रहे होंगे, सबके हाथ में प्लेट है, प्लेट में खाना है, खाना मिला है तो ये सभी लोग खाना खा रहे हैं। इन लोगों से मैं बात करूंगी, लेकिन आपको एक तस्वीर में दिखाऊं उस शख्स की, जो शख्स बिना किसी स्वार्थ के, ना कोई संस्था से जुड़ा है, लेकिन इसी तरीके से घर से अपने खाना बनवा कर और लोगों को किस कदर खिला रहा है। इनका नाम शौर्य है, ये किसी एनजीओ से नहीं जुड़े हुए हैं, इन्होंने अपने पैसे से इसी तरीके से ये दिन से लेकर रात तक लगे रहते हैं। और जो भी इनको इस कदर लोग सड़क किनारे दिखते हैं, उनसे सवाल करते हैं कि क्या आप भूखे हैं, और अगर आपको भूख लगी हुई है तो इस कदर खाना देते हैं। ये अपने हाथ में ग्लव्स पहना, वो कब से ये काम कर रहे हैं? आज सुबह से लगे, रात तक। कब तक ऐसा करेंगे? जब तक लॉकडाउन रहेगा। जब तक लॉकडाउन माने 14 अप्रैल तक, जब तक हो, मे बी एक्सटेंड हो ना हो, जो भी हो, जब तक। कितने लोग हैं आप? हम हैं, हमारे एक छोटे भाई हैं, मित्र हैं बस, और कोई नहीं। तीन लोग हैं एक साथ, एक चलाते हैं, एक देते हैं। अच्छा, मतलब ये ई रिक्शा कौन चलाता है? कभी भाई चला लेते, कभी हम चला लेते हैं। आप इस तरीके से देखिए कि ये ई रिक्शा है, और जरा शौर्य मेरे साथ आइए, ये ई रिक्शा पर सामान लादा सुबह से निकल पड़े हैं। और जो भी लोग इनको दिखाए, चाहे पटना के किसी भी इलाके में जाइए, कर भी गहिया हो, चिड़ैया टार हो, कंकड़ बाग हो, गर्दनी बाग हो, किसी भी इलाके में जहां पर लोग इनको दिख रहे हैं, वहां पर ये लोगों को खाना खिला रहे हैं। ये देखिए, दो इस तरीके से फिल्टर में पानी भरा है, घर से निकले हैं, साथ में क्या क्या है, ये सबसे पहले तो इन लोगों ने प्लेट्स खरीदा, डस्टबिन भी पीछे बनाया है, डस्टबिन इस तरीके से बोरी में बनाया है ताकि अगर कुछ भी गंदा हो, कोई कचरा सड़क पर नहीं फैला है, इसलिए इस तरह इसमें ये पीछे बोरी बांधकर डस्टबिन का काम के काम आ सके। और देखिए कि खाना जो है वो इस तरफ रखा हुआ है, इसमें खाना है। तो देखिए, पूरा देश जो है वो तरह तरह से कोरोना से लड़ने की कोशिश में लगा हुआ है, अपने घर से नहीं निकल रहे हैं बहुत से लोग, जो सामान लेकर आ रहे हैं तो हाथों को अच्छे से धो रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, ये रिपोर्ट आपने देखी। अब मैं रुक कर लेती हूँ एक बार डॉक्टर स्वाति महेश्वरी का, हमारे साथ डॉक्टर दिनेश खुल्लर भी जुड़े हुए हैं, मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, और डॉक्टर स्वाति महेश्वरी लगातार बनी हुई हैं और अभिज्ञान भी मेरे साथ हैं। डॉक्टर स्वाति, जो एक बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही वो ये कि जो बड़े बड़े विकसित देश हैं, जिनका मेडिकल साइंस बहुत डेवलप्ड है, जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, उनकी चिकित्सा जो सुविधाएं हैं उनको ध्वस्त होते हुए हमने देखा है, तो उससे हमें सीख लेनी है। ये एक बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही पूरे देश को कि आपको घर से नहीं निकलना है, क्योंकि हमारे देश में तो आप सच किसी से छुपा हुआ है ही नहीं है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। बिल्कुल सही कहा शोभना आपने। देखिए, अगर हम बड़ी बड़ी तीन कंट्रीज भी ले ले, अमेरिका ले ले, इटली ले ले और यूके ले ले, तो देखिए उन्होंने, उनके यहाँ डॉक्टर रेशियो, पेशेंट जो लोगों के प्रति डॉक्टर रेशियो होता है वो बहुत अच्छा है, उनका हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, उनके यहाँ बेड्स ज्यादा है और उनका हेल्थ सिस्टम कहीं ज्यादा सशक्त है। लेकिन एक चीज सीखने को मिली जो कि इन तीनों ही कंट्रीज ने दुनिया भर को सिखा दी, वो ये है लापरवाही। इतना सशक्त होते हुए भी जो उन लोगों ने लापरवाहियां बरती हैं, देखिए
इटली ने देखे 3 केसेस से केवल 19 दिन के अंदर उनके यहाँ 3 से 9,000 केस से ज्यादा हो गए। अमेरिका की अगर आप सुने तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी पहले ये बोला था कि हमारे एवरेज अमेरिकन को इसका रिस्क बहुत लो है, और ऐसा जिस दिन उनका व्यक्तित्व आया जो कि शायद 7 मार्च के आसपास है, तो उसके बाद से 20 दिन के अंदर अमेरिका ने इटली को भी पछाड़ दिया और आगे निकल गया, उनके यहाँ इतने ज्यादा केसेस हो चुके हैं। और यूके में आप देख रहे हैं कि बोरिस जॉनसन जो लापरवाही में बोल रहे थे कि मुझे किसी से हैंडशेक करने में प्रॉब्लम नहीं है, आज वो खुद पीड़ित है और उनका देश भी इससे जूझ रहा है। तो एक सीख जो इससे मिली है वो ये है कि सशक्त हेल्थ सिस्टम्स होते हुए भी जो ज्यादा जरूरी बात है वो है लापरवाही ना बरतना, इसको सीरियसली लेना और कोरोना वायरस इन्फेक्शन को हल्के में नहीं समझना। ठीक है, और यही अगर आप देखें तो जो पहला जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो पहला लोगों को संबोधित किया था उसमें उन्होंने यही कहा था कि रिलैक्स नहीं होना है, इसको सीरियसली लेना है और समय से इसीलिए लॉकडाउन किया गया है। बिल्कुल, तो आप सभी मेरे साथ बने रहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन की बात में लॉकडाउन को जरूरी बताया और साथ ही साथ ये भी कहा कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं वो कोरोना को गंभीरता से नहीं समझ रहे हैं। एक तस्वीर आपको हम लखनऊ से दिखाते हैं जहां लोग ट्रक में बैठकर अलग अलग जगह जा रहे हैं, बस की छत पर बैठकर यात्रा कर रहे हैं, पुलिस भी लोगों को जाने में मदद कर रही है। हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी ने हमें रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए और गंभीरता समझिए कि लोग इसको बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहे। लखनऊ शहर में फिलहाल बसों के एंट्री पर बैन कर दिया गया है। चारबाग और आलमबाग समेत तमाम बस अड्डों को रोक दिया गया है, वहां पर बसें नहीं आ रही, और ऐसे में जो लोग हैं उनको आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा है। और आपको कानपुर रोड का एक नजारा दिखाएंगे यहाँ पर किस तरीके से लोग बड़ी तादाद में यहाँ खड़े हुए हैं, और इन लोगों को ज़्यादातर संख्या इन लोगों की ऐसी है जिनको कानपुर की तरफ जाना है। और आप देख सकते हैं कि जो खाली ट्रक और DCM या जो भी गाड़ियाँ ऐसी निकल रही हैं जो कानपुर की तरफ जा रही हैं उनमें इन यात्रियों को बैठाया जा रहा है। पुलिस खुद इनको देखिए रोक रोक करके बैठा रही है ट्रकों में। तो ऐसे में अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं जो उसका मंत्र है वो टूटता नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ जो ट्रक खड़े हैं उनमें लोग जाने को मजबूर हैं, लाइन से आप देख सकते हैं दूर तक यहाँ बड़ी संख्या में लोग हैं जिनको अलग अलग शहरों में जाना है। भाई साहब, ये कानपुर जा रही है ट्रक? कानपुर नहीं जा रही, ये कानपुर नहीं जा रही है, ये जहाँ भी गाड़ियाँ जा रही हैं, कानपुर जाए, दिल्ली जाए, कहीं भी जा रही है, जहाँ की सवारियां उनको बैठा किसी तरीके से हम लोग भेज रहे हैं, रास्ते ही भेज रहे हैं। बसे क्यों नहीं चला रही है? बसे चल रही, बसे दिल्ली वहाँ गाजियाबाद से लगी हुई आके यहाँ लखनऊ में उतार रही है, कुछ बसें लेके जा भी रही हैं, जो भी हमारे पास अवेलेबल है वो व्यवस्था की जा रही है। देखिए DCM में जा रहे हैं भरकर लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का क्या होगा? नहीं, ये तो बात सही कह रहे हो, लेकिन जिस तरह की इसमें क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है इसके लिए आज इस समय इनको पहुँचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतनी भीड़ ज्यादा आ चुकी है, अगर ये नहीं पहुँचे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो ये पुलिस के अधिकारी हैं जो बता रहे हैं कि लोगों को हर हाल में पहुँचाना जरूरी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो बस आ रही है हमारे सामने, आप देख सकते हैं बस आ रही है जिसमें छतों पर लोग सवार है, ये प्राइवेट बसें हैं, और आप देखिए किस तरीके से जिनको अपने घर पहुंचना है किसी भी सूरत में कितनी भी जद्दोजहद करके कितनी भी मशक्कत करके, देखिए ठसाठस इस बस में लोग भरे हुए हैं, छतों पर बैठे हुए हैं, इस तरह की बसें यहाँ निकल रही हैं, ट्रक निकल रहे हैं, तमाम वाहन निकल रहे हैं। देखिए ये एक DCM हमारे सामने एक गाड़ी जा रही, आप देखिए किस तरीके से लोग इसमें भरे हुए हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की बात जो कही जा रही है, अगर भगवान ना करे इसमें से कोई भी एक व्यक्ति को संक्रमण होता है तो वो कितने लोगों को संक्रमित करेगा। बसों का संचालन रोक दिया गया है और लोग ऐसे साधनों पर जाने के लिए मजबूर हैं। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज लखनऊ। तो तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की भीड़ बस में सवार होकर, टेम्पो में सवार होकर, रिक्शों पे, साइकिल पे अपने घर पहुंचने की कोशिश में लगी हुई है। मेरे साथ 3 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अभिज्ञान, अब क्योंकि ये तस्वीरें मैंने अपने दर्शकों को दिखाई हैं तो मेरा सवाल आपसे बनता है, सवाल ये कि कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं ये भी पैनिक में आ गए हैं, ये समझने को तैयार नहीं है कि इस तरह भीड़ में चलेंगे तो इनके लिए खतरा और ज्यादा बढ़ेगा ही। सरकारें पूरी कोशिश में लगी हुई हैं, पहले 2 दिन दिक्कत थी खाने की और रहने की, लेकिन अब सारी राज्य सरकारें लगी हुई हैं, सारे DM DC उनको आदेश दिए गए हैं खाना पहुंचाने का, तो कहीं ना कहीं ये जो पैनिक है ये इन लोगों की गलती है? नहीं, सही बात है शोभना, कहीं ना कहीं नहीं, ये साफ साफ, तभी तो प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं मुझे माफ करिए, वो समझ रहे हैं इस प्रॉब्लम को,
उनको जैसे डॉक्टर माहेश्वरी ने, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी ने कहा, एक हिंदी का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, लापरवाही। लापरवाही जो है वो यूके से लेकर यूएस तक एप्लीकेबल है, तो इंडिया में क्यों नहीं है? मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं आपके जर्नलिस्ट को भी देख रहा हूं कि वो बहुत नजदीक से जाकर बात कर रहे हैं, बहुत नजदीक से जाकर लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। देखिए डिस्टेंसिंग, जैसे आपका प्रोमो दिखाता है ना कि आप लोग कैसे एंकरिंग के समय आप बता रहे हैं कि हाँ आप एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, कुछ बेसिक्स जो है वो सब पर अप्लाई होता है। हमारा काम भी बहुत मुश्किल है जर्नलिस्ट का। अभिज्ञान, हमने जो हमारा माइक्रोफोन है, माइक है, हमने उसमें ये कोशिश की है कि हम उसमें एक दूरी बनाकर बात करें, उसके लिए हमने वो इक्विपमेंट भी उस माइक में फिक्स किया है। तो ये आपकी चिंता बहुत वाजिब है, लेकिन एबीपी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है शोभना, क्योंकि ये सबको सीखना है, क्योंकि ये सबको सीखना है। अभी जो मैं बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर स्तर पे, अगर आप दुकान पर भी जा रहे हैं कोई सामान लेने, तो बड़ी बेसिक सी बात है, दो प्रतिष्ठित डॉक्टर्स बैठे हैं, वो आपको बताएंगे कि आप अपनी आवाज का इस्तेमाल करके थोड़ी डिस्टेंस से अपनी डिमांड रख सकते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर ये तस्वीरें देख रहे हैं, जैसे शोभना आपने पॉइंट आउट किया, अब उनको समझ में तो आ रहा है ना कि बस में के छत पे बैठकर लोग जा रहे हैं, अजीब सी स्थिति हो रही है। गवर्नमेंट के पास भी चॉइस नहीं है, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, कि बसें वो प्रोवाइड करें। अब लोग बस में बैठने के बाद बस में बैठकर जाए ना, प्राइम मिनिस्टर या कोई स्टेट गवर्नमेंट या चीफ मिनिस्टर ये तो नहीं चाह रहा है कि वो छत पे बैठकर जाए। तो अब ये इतनी बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, संयम बरतना होगा, डायरेक्टली तो नहीं हैंडल कर सकता। चाहे आप किसी भी तबके से हो, दिहाड़ी मजदूर हो, आप कोई भी हो, आपको संयम बरतना पड़ेगा। बसें चला रही है सरकार, इंतजार कीजिए, इतना बेसब्र मत होइए। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, और ब्रेक से लौटकर दिनेश कोल्लर मैं आपका रुख करूंगी और आपसे ये समझने की कोशिश करूंगी कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए उन पेशेंट्स को जिनकी की डायलिसिस चल रही है। फौरन लौट रहे हैं, अपना बहुत ध्यान रखिए, घर पर ही रहिए और एबीपी न्यूज देखते रहिए। इसी बीच एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, वहां पर 5 नए मामले सामने आए हैं कोरोना संक्रमण के। बहुत तेजी से जम्मू कश्मीर में संक्रमण के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। दोपहर के 12:30 बजे तक का ये आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव 5 और नए मामले सामने आ गए, इसमें 2 केस श्रीनगर से, 2 बड़गांव से और 1 बारामूला से सामने आया है। हम आपको बता दें कि बहुत से लोग जो कि सऊदी अरब से लौटे थे, वापस विदेश यात्रा से लौटे थे, उनकी वो इसका जरिया बने और अब कश्मीर में लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। आज सुबह से 5 नए मामले सामने आ चुके हैं, 2 केसेस श्रीनगर में, 2 बड़गांव में और 1 बारामूला में। तो जो सबसे बड़ा बचाव है इस वायरस से वो ये कि अगर आप विदेश यात्रा से आए हैं तो अपने को क्वारंटीन कीजिए। दिल्ली के आनंद विहार की तरफ जाने वाले कई रास्ते पैदल यात्रियों के लिए अब बंद कर दिए गए हैं, लेकिन लोगों ने फ्लाईओवर से उतरने का एक कच्चा रास्ता खोज निकाला है जो इन लोगों को सीधे रेलवे ट्रैक की तरफ ले जा रहा है। क्या क्या उपाय नहीं ढूंढ ले रहे हैं ये लोग, ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि सरकार इनके बचाव की बात कर रही है। अगर ये घर पर रहेंगे तो इस वायरस से लड़ा जा सकता है। अजातिका सिंह ने हमें रिपोर्ट भेजी है, वो देखिए। आनंद विहार के पास इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। कल जिस तरह की भीड़ देखी गई उसे रोकने के लिए पुलिस ने कुछ ऐसे बैरिकेड्स अब लगा दिए हैं और कई लोग ऐसे हैं अब जिनको जाने नहीं दिया जा रहा है। एक प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए लोगों को अब भीड़ में नहीं तब्दील होने दिया जा रहा है, भीड़ जुटने नहीं दी जा रही है। लेकिन ऐसे भी लोग हमारे साथ हैं, ऐसे भी लोग हमें मिले हैं जिनकी बेहद मजबूरियां हैं कि वो घर से बाहर निकले हैं। ये महिला जो इस वक्त आप हमारे साथ देख रहे हैं, दरअसल ये सफदरजंग अस्पताल जाना चाहती हैं जहाँ पर इनके पति करीबन 1 महीने से भर्ती हैं, और कई महीनों से पति जो भर्ती हैं अब उनके लिए खाना लेकर जा रही हैं, लेकिन इन्हें भी रोक दिया गया है और पुलिस फिलहाल इनको और इनके बच्चों को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रही है। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? संतरीस नाम है मेरा। क्या आपको बोला गया है, क्यों नहीं जाने दे रहे आपको? मना कर रहा है बिल्कुल ही, बसें बंद हो गई। अब बसें बंद बिल्कुल ही करके बंद हो गई, अब नहीं जाओगे कहीं पर, सब अपने अपने घर जाओ वापसी। मेरे पति हैं। क्या हुआ उनको? वो जल गए। अच्छा। वो 24 दिसंबर में, 24 दिसंबर से मतलब बस थिनर से जल गए। हाँ। तो खाना लेकर जा रहे हो? तो नहीं, नहीं, कोई सुविधा नहीं है। डॉक्टर लोग सब बाहर की दवाई लिख रहे हैं, सब बाहर की दवाई, पट्टी तक बाहर की लिख रहे हैं इस टाइम पे।
वो ये तक नहीं देख रहा है किसी पे पैसा है या नहीं है, पैसे को मना कर रहा है कि पैसे नहीं है हम पे, तो बोला है अपने मरीज को अपने घर पे लेकर जाओ। कोई नहीं है हमारे, मेरा कोई सहारा नहीं है, सिर्फ मेरा पति एक ही था, मेरे सास का बेटा सिर्फ एक ही है। मेरे दो बच्चे हैं, एक लड़का है और ये लड़की है। कोई नहीं है, किराए पे रहती हूँ मैं। नहीं नहीं जान दे रहे, परेशान बहुत कर रहा है ये, नहीं तो इमरजेंसी वाले को तो ये लोग कम से कम जाने दे। तो लॉकडाउन की वजह से कई लोग अपने घरों के लिए लौट रहे हैं, इस दौरान पैसेंजर ट्रेन और अन्य परिवहन सेवा बंद थी। ऐसे में गाजियाबाद से चार मजदूर चोरी छिपकर मालगाड़ी से बिहार पहुंच गए, लेकिन यूपी के औरैया में आरपीएफ को जानकारी मिली और उन्होंने चारों मजदूरों को मालगाड़ी से निकाल लिया। स्टेशन पर बिहार जा रही मालगाड़ी के एक वैगन में 46 मजदूरों को आरपीएफ ने सूचना के बाद उतारा। मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से उन्हें दो वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो गया था और इसी वजह से उन्होंने मालगाड़ी से घर जाने का फैसला लिया। तो आरपीएफ भी पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई है, लेकिन समस्या यह है कि आरपीएफ ने इन मजदूरों को उतार तो लिया है, सोशल डिस्टेंसिंग भी आप देख रहे हैं इनसे बनवाई जा रही है, दूर दूर इनको बिठाया गया है, लेकिन समस्या वही कि इनको रखा कहां जाए, इनको खिलाया क्या जाए। ये एक मालगाड़ी में आसनसोल नाम मालगाड़ी थी जी, जो गाजियाबाद से आ रही थी, उसमें ये गाजियाबाद स्टेशन से पहले वो गाड़ी कहीं खड़ी हो गई और चोरी छिपे ये उसी के एक डिब्बे में जाके सब लोग बैठ गए। इनको पीछे से सूचना मिली थी, सूचना के आधार पर यहाँ गाड़ी को रोक कर चेक किया गया था, जिसमें टोटल 46 लोग बैठे हुए मिले थे, जिनको यहाँ उतार कर सोशल डिस्टेंस पर रखकर सबको मेडिकल चेकअप जिला प्रशासन को सूचित किया, उस पर मेडिकल चेकअप कराया गया। इन्होंने बताया कि ये कई दिन से भूखे हैं, उनको ढंग से खाना नहीं मिला है, तो हम आरपीएफ परिवार की तरफ से हमने अपने ही मेस में इन सबका खाना बनवाया। तो बड़ी चिंताजनक तस्वीरें हैं, लगातार एबीपी न्यूज भी यही अपील कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपील की कि आप जहां हैं वहीं रहिए, आपके खाने पीने का, आपके रहने का पूरा इंतजाम सरकार करेगी, आप 100 नंबर पर कॉल कीजिए और पुलिस को बताइए अगर आपको कोई दिक्कत है। मेरे साथ डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल भी जुड़ा हुआ है, मेरे सहयोगी अभिज्ञान भी मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर दिनेश खुल्लर, माफी चाहती हूं आपको इंतजार कराना पड़ा, लेकिन कुछ रिपोर्ट थी जो दिखाना बहुत जरूरी थी। डॉक्टर खुल्लर, आप देख ही रहे कि पलायन कितनी बड़ी संख्या में हो रहा है, कितना बड़ा खतरा है इस संक्रमण को देखते हुए ये पलायन, लोगों की लापरवाही। क्या ये बहुत एक गंभीर रूप ले रहा है और आई थिंक इस समय बहुत जरूरी है कि हम भरोसा रखें सरकार के जो उन्होंने कदम उठाए हैं उसके ऊपर, और भरोसा रखें कि ये हमेशा के लिए नहीं है ये चैलेंज, ये कुछ देर कुछ हफ्तों के लिए है और हमें बहुत ज़्यादा इसमें धैर्य रखना पड़ेगा और जैसे कि मैंने कहा भरोसा रखना पड़ेगा, कानून की उल्लंघना नहीं करनी होगी। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि वायरस को हम देख नहीं सकते हैं, हमें इमेजिन करना है कि वायरस हमारे आसपास है और उससे कैसे बचना है जी। और ये जो पैनिक आ रहा है ये अच्छा नहीं है, हमें इस समय हिम्मत दिखानी है, डर बिल्कुल नहीं दिखाना है, क्योंकि ये वायरस फर्स्ट टाइम नहीं है कि ऐसे वायरस इंसान को अटैक कर रहे हैं। आज तक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमेशा इंसान की जीत हुई है और मुझे पूरा भरोसा है इस बारी भी हमने ही जीतना है, लेकिन संयम रखना बहुत जरूरी है। ठीक है डॉक्टर दिनेश खुल्लर, आप बने रहिए हमारे साथ और मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए सरकार और प्रशासन पूरी तरह से जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस ड्रोन की मदद से लॉकडाउन का पालन न करने वालों पर नजर रखे हुई है। हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो आप रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन कैसे सफल हो इसकी चिंता हर कोई कर रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में और तमाम प्रदेश में पहले पुलिस सड़क पर उतरी, बैरिकेड्स लगाए, आने जाने वालों को रोका, समझाइश दी, नहीं माने तो डंडा भी चलाया कई जगहों पर, लेकिन इसके बाद भी लॉकडाउन देखिए पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहा है, ऐसा आप कह सकते हैं कई जगहों पर। ऐसे में अंकुश लगाने के लिए छत्तीसगढ़ में रायपुर पुलिस ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की है। अब वो जमीन के साथ साथ आसमानी, मतलब कि
ऊपर से भी आसमान से भी अब लॉकडाउन पर नजर रखेंगे। और इसी वजह से उन्होंने रायपुर पुलिस ने लगभग 25 ड्रोन के कैमरे उतारे हैं। और ड्रोन के कैमरे उससे होता क्या है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए दुर्गेश जरा दिखाइए, हम ऊंचाई में खड़े हैं अभी और ऊंचाई से देखिए बहुत सारी चीजें दिख रही हैं कि गाड़ियां सड़क पर चल रही हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। हालांकि ये जो भीड़ दिख रही है यहां पर सब्जी की दुकान है, एसेंशियल सर्विस में आती है और यहां पर लोग आके खरीद सकते हैं। वैसे आपको गाड़ी रायपुर में फिलहाल आपको ऐसे घूमते नहीं दिखेंगे क्योंकि पुलिस यहां बहुत सख्त है। और ऊपर से 25 ड्रोन कैमरे की मदद से, और ड्रोन कैमरे ऐसे ही ऊपर जब आप देखेंगे, इधर देखिए ये मुख्य सड़क है रायपुर शहर का, ये रिंग रोड है, यहाँ आपको एक भी गाड़ी दूर दूर तक नहीं दिखेगी। इक्का दुक्का गाड़ी कोई जरूरी सामान लेने इधर उधर जा रहे हैं वो दिख जाएंगे, नहीं तो आप देखिए ऐसे ऊपर छत में ऐसे बहुत ऊपरी वहां ड्रोन उड़ाया जाता है। और 25 ड्रोन जो रायपुर के घने इलाके हैं, वहां ड्रोन उड़ाया जा रहा है। और ड्रोन उड़ाने के बाद ड्रोन से होता क्या है, ड्रोन की जो तस्वीर होती है वो पुलिस मुख्यालय जाती है, यानी रायपुर पुलिस का जो कंट्रोल रूम है वहां जाता है। और फिर वहां से पुलिस को यह समझ में आ जाता है कि कौन से घने इलाके में कितनी ज्यादा भीड़ है, यानी कहां लोग हैं जो लॉकडाउन का उल्लंघन करके एक बहुत बड़े समूह में खड़े हैं और वो कोरोना के मद्देनजर समाज में नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में तत्काल वहां पेट्रोलिंग की टीम पहुंचती है और पेट्रोलिंग की टीम पहुंचकर वहां पर भीड़ को तितर बितर करके उनको हटा देती है। यानी ड्रोन के मदद से हो ये रहा है कि इस तरह से ऊपर से आप ये देख पा रहे हैं कि कोई नीचे घूम तो नहीं रहा है, कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहां भीड़ है। और ये छत्तीसगढ़ पुलिस में रायपुर से शुरुआत इसकी की है, और रायपुर में जब ये सफल होगा और जब रायपुर में इसका परिणाम ठीक होगा तो धीरे धीरे प्रदेश के तमाम जिलों में इसका इंप्लीमेंट किया जाएगा। और जमीन में तो पुलिस है ही, अब आसमान से भी ड्रोन के सहारे लॉकडाउन तोड़ने वालों का या इसका उल्लंघन करने वालों पर नजर रखी जाएगी। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज रायपुर। तो ये रिपोर्ट हमने आपको इसलिए दिखाई ताकि आप ये समझें कि जो पुलिस प्रशासन वो आपके काम में लगा हुआ है, वो ये इंश्योर कर रहा है कि आप घर पर रहें ताकि कोरोना आपके घर तक ना पहुंचे। हमारे साथ दो डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, डॉक्टर दिनेश खुल्लर और मेरे वरिष्ठ सहयोगी अभिज्ञान। डॉक्टर स्वाति, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। कुछ लोगों को, क्योंकि मौसम बदल रहा है तो लोगों को गले में दर्द हो रहा है, तो लोगों के बीच में ये डर है कि क्या हम कोरोना अपना चेक करा ले, ऐसे लोगों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी? हाँ देखिए, ये सीजन ऐसा है कि कई घरों में इस वक्त लोगों को ये तकलीफें हैं, लेकिन मैं यहाँ पर दो तीन बातें क्लियर करूंगी। पहली बात ये है कि कोरोना वायरस से जब संक्रमण होता है तो उसमें ज्यादातर सूखी खांसी होती है, तेज बुखार होता है और साथ में सांस लेने की दिक्कत भी होती है, जो कि ज्यादातर कोरोना वायरस के लक्षण देखे गए हैं। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ट्रैवल की हिस्ट्री होगी, आप किसी ऐसे देश से ट्रैवल करके आए होंगे जहां कोरोना वायरस का संक्रमण अभी हुआ हुआ है, या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए होंगे जो ट्रैवल करके आया और उसके साथ आपने कुछ समय व्यतीत किया होगा, या अगर किसी की जल्दी जल्दी तबीयत खराब हो रही है, बहुत जल्दी ही आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ी, तो ऐसे में चिंता करने की बात है। अदरवाइज हर किसी के लिए यही है कि अपने लक्षणों का ध्यान रखिए, उस पर एक नजर रखिए कि आपकी तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हो रही है, खुद को आइसोलेट करिए। आप जहां पर भी घर में हैं, अगर आपको साधारण सर्दी खांसी जुकाम है तो भी खुद को और उसे आइसोलेट कीजिए और उसे अलग करें और प्रिकॉशन लें, जब तक की स्थिति आपको जो कोरोना के सिम्टम्स है वो ना आए तब तक आप टेस्टिंग के लिए ना जाएं। आप सभी बने रहिए हमारे साथ। अब मैं अपने दर्शकों को दिल्ली का हाल बता देती हूं। दिल्ली में पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है कि धारा 144 लागू है, यानी चार आदमी से ज्यादा एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते। बॉर्डर को सील कर दिया गया है, कोई आ जा नहीं सकता है, पर आपको डरने की जरूरत नहीं है, सरकार आपके लिए काम कर रही है, सड़कों पर बस भीड़ मत लगाइए। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता की रिपोर्ट हम आपको दिखा देते हैं। सभी को सूचित किया जाता है कि कोरोना वायरस के चलते दिल्ली में धारा 144 लगी हुई है, सारे बॉर्डर सील किए हुए हैं, कॉलम भी को नोएडा बॉर्डर को भी सील किया गया है, यहां से कोई आदमी बाहर नहीं जा सकता और ना ही अंदर आ सकता है। केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार आपके लिए जितनी भी फैसिलिटी होगी वो देगी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा फिर आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वापस अपने घरों में जाएं और सुरक्षित रहें, आप भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी रहने दें। धन्यवाद।
कुछ इस तरह से लगातार दिल्ली पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है, सचेत कर रही है कि डरने की जरूरत नहीं है। लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है और उन लोगों को संदेश देने की कोशिश है जो बॉर्डर पार करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से लोग देख सकते हैं कि अपने घरों से निकल रहे हैं सामान लेकर के, लेकिन पुलिस की तरफ से लगातार ये अनाउंसमेंट करके ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि लोग अगर डरे और सहमे हुए हैं तो वापस अपने घरों में जाएं। ये जो जगह है ये है कालिंदी कुंज, वो बॉर्डर जहां से दिल्ली और यूपी का जो बॉर्डर मिलता है। इसके दूसरी तरफ की भी एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहां से अनाउंसमेंट तो जरूर चल रहा है, लेकिन इसी के पास में जो एक और रास्ता है वहां से भी लोगों को समझा करके वापस भेजने की कोशिश की जा रही है। देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे अपने जो अभिभावकों के साथ में यहां पर आ गए थे और एक भीड़ की शक्ल ले ली थी, लेकिन अब लगातार पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो पुलिस के जवान हैं, वो लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग यहां से वापस आइए, अपने अपने घरों में जाइए, क्योंकि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने ऐसे इंतजाम कर रखे हैं जिससे कि आपको परेशानी ना हो। तो पुलिस भी अपनी तरफ से, पुलिस और प्रशासन है वो अपनी तरफ से यही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को समझा बुझा करके, उनकी मदद करके वापस भेजा जाए। बड़ी विकट समस्या है, पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही है, प्रशासन बता रहा है, खुद प्रधानमंत्री बार बार मीडिया में आकर ये संदेश दे रहे हैं कि अपने घर में रहिए, भीड़भाड़ मत बढ़ाइए, लेकिन उसके बावजूद तस्वीर कुछ और निकल कर आ रही है। अभिज्ञान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिज्ञान, बड़ी विकट समस्या है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है, बार बार बताया जा रहा है पढ़ाई लिखाई का अभाव है या ये बढ़ी हुई जनसंख्या की दिक्कत है, करें तो करें क्या? क्योंकि ये जो लोग हैं जो इस तरह से संक्रमण फैलने के खतरे से डर नहीं रहे हैं, अगर एक बार ये संक्रमण गांव में पहुंच गया तो स्थिति विस्फोटक हो जाएगी। हमारे देश की मूल समस्याओं में पॉपुलेशन तो है ही है, बढ़ती जनसंख्या तो है ही है, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। लोगों को कोई प्रधानमंत्री की अपील नहीं काम करेगी जब तक लोग खुद से नहीं समझेंगे इस स्थिति को। उनको अपने आप को बताना पड़ेगा, अपने आसपास के लोगों को बताना पड़ेगा। मैं लगातार रिपोर्ट्स देख रहा हूँ हमारे जर्नलिस्ट की, वो भी इसी बात को बार बार कह रहे हैं। पुलिस घूम घूम कर कह रही है कि खाना मिलेगा, घर पे रहिए। तो इसलिए इसके अलावा जैसे मैंने कहा, प्राइम मिनिस्टर के पॉइंट पर वापस आते हैं जिस पर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं। अभिज्ञान, मुझे आपका इसीलिए उन्होंने इमोशनल अपील की, इसीलिए वापस उन्होंने हाथ जोड़ा, माफी मांगी। ठीक से नहीं मिल रहा है, मैं दोबारा कोशिश करती हूँ, सही ऑडियो के साथ आपके पास आती हूँ। इस बीच एक बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, उत्तर प्रदेश में ये जो दिहाड़ी मजदूर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने कहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, कि इनको क्वारंटीन किया जाएगा, इनकी जांच की जाएगी। तो यूपी से बड़ी खबर, कोरोना को लेकर बाहर से आने वालों की जांच की जाएगी। ये जो हजारों की संख्या में मजदूर पहुंच रहे हैं उनको 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा, जिला मुख्यालय में क्वारंटीन रखा जाएगा इनको। लेकिन समस्या यही एक बार फिर कि ये जो हजारों की संख्या में पहुंच रही है भीड़, इसको कैसे हैंडल किया जाएगा? क्या जिला मुख्यालय में इतनी व्यवस्था हो पाएगी जिस बड़ी संख्या में ये मजदूर पहुंच रहे हैं? 14 दिन तक अगर इनको क्वारंटीन किया जाएगा तो प्रशासन कैसे इनके रहने और खाने की व्यवस्था बनाएगा? हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की है कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनको समाज में घुलने मिलने नहीं दिया जाएगा, उनकी जांच की जाएगी। योगी आदित्यनाथ के आदेश से पहले उत्तर प्रदेश में रेल के जो कोच हैं उनको आइसोलेशन वार्ड्स में तब्दील किया गया है। हमारी रिपोर्ट देखिए। देश में अगर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती है तो उनसे निपटने के लिए रेलवे विभाग जो है वो आइसोलेशन कोच बना रहा है, और ऐसा ही एक आइसोलेशन कोच हम आपको दिखाएंगे, लखनऊ के आलमबाग वर्कशॉप में तैयार हो रहा है। किस तरीके से इसको बनाया जा रहा है, आप सबसे पहले आपको दिखाएंगे, जो ये बाथरूम होते थे उनको कन्वर्ट किया गया है, मॉडिफाई किया गया है, और आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ये बाथरूम में चेंज करके एक पूरी तरह वॉशरूम होगा और एक टॉयलेट होगा। तो इसमें मरीजों के अलावा जो डॉक्टर्स होंगे वो इस फैसिलिटी का इस्तेमाल करेंगे, और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो सारे टैब हैं, वॉश बेसिन हैं, वो सब बदला जा रहा है। इसके अलावा जो रेलवे की वायरिंग होती है वो
110 वोल्ट की होती है अभी, लेकिन अब चूंकि इसमें मेडिकल इक्विपमेंट इस्तेमाल होने हैं तो ऐसी दशा में इसको 220 वोल्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये टेम्परेरी वायरिंग डाली गई है जो पूरे इस कोच में होगी, जिसमें 10 केबिन होंगे। 10 केबिन में से 2 केबिन ऐसे होंगे जिसमें एक डॉक्टर का केबिन होगा और एक नर्स का केबिन होगा। सबसे पहले आपको डॉक्टर का केबिन दिखाऊंगा जो यहाँ देखिए तैयार किया जा रहा है। ये डॉक्टर का केबिन होगा जिसको पर्दा लगा के इस तरीके से कवर किया गया है और ये इसमें मॉडिफिकेशन तमाम तरीके किए गए हैं। सामने आप देख सकते हैं जो बोर्ड लगा है वो 220 वोल्ट का है, तो ऐसे में जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स यूज होने हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स यूज होने हैं, वो इससे आराम से किए जा सकते हैं और पूरा जो कोच मॉडिफाई किया जा रहा है। और आपको दिखाते हैं किस तरीके की तैयारियां हैं। ठीक आप बगल में देख सकते हैं किस तरीके से ये जो केबिन है इसमें मेंशन किया गया है ये डॉक्टर का केबिन होगा और ठीक बगल में नर्स का केबिन होगा, तो जो स्टाफ यहाँ परमानेंट मौजूद रहेगा। और रेलवे के अधिकारी इस पूरे जो निर्माण की प्रक्रिया है उसको देख रहे हैं, उसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर क्या शुभ नाम आपका? मैं मनीष पांडे, चीफ वर्कशॉप मैनेजर आलमबाग वर्कशॉप। ये आइसोलेशन कोच जो आप तैयार कर रहे हैं क्या कैसे तैयार कर रहे हैं थोड़ा सा बताएं जरा। ये हमारे हेडक्वार्टर की गाइडलाइंस हैं, तो प्रारंभिक स्टेज में हमको 10 कोच तैयार करने का टारगेट मिला है। ये पहला प्रोटोटाइप है, 10 कोच हमारे पास आ गए हैं, इसको आज हमारा टारगेट है पूरा करने को, फिर उसके हिसाब से हम आगे पूरा रेक कंप्लीट करेंगे। अच्छा, किस किस तरह के मॉडिफिकेशन इसमें किए जा रहे हैं, चूंकि ये तो रेलवे का कोच है, आराम लोग इस पे लेट करके सोते हैं चलते हैं, तो ऐसे में अगर मरीज के लिए इसको बनाया जा रहा है तो क्या बदलाव करने पड़ रहे हैं? देखिए इसमें 10 केबिन्स होते हैं पैसेंजर्स के लिए नॉर्मली, तो अब 10 केबिन्स को हम लोग 2 केबिन तो एक डॉक्टर के लिए हो गया, एक नर्स के लिए हो गया, और बाकी 8 केबिन जैसे आइए इधर देखिए, ये बाकी 8 केबिन जो है ये हमारे पेशेंट्स के लिए हैं जिन्हें क्वारंटाइन में रखना है। तो ये वाला हिस्सा है ये पेशेंट्स के लेटने के लिए है, ये सामान रखने के लिए है, ये पेशेंट के लेटने के लिए सामान रखने के लिए। देखिए इधर वाला हिस्सा पूरा हम लोगों ने आइसोलेट कर दिया है, इधर थोड़ी कम ऊंचाई तक आइसोलेट किया है। तो इस तरह तो देख रहे हैं आप कैसे कोचेस को आइसोलेशन वार्ड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसके गंभीरता समझिए आप कि सरकार कितने बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है, लेकिन अगर आप जिम्मेदारी के साथ सरकार के आदेश को निभाएंगे, अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो इन डिब्बों की कभी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।